Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 8 मार्च और 8 मार्च 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सारी करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने दो क्वेश्चंस पूछे थे, जैसा कि मैं रोज पूछता हूं आपसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में है। नेक्स्ट मैंने पूछा था, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी प्रागवे और कोस्टा रिका में कितने दिनों की यात्रा पर गए हुए हैं? तो ये गए हुए हैं 8 दिनों की यात्रा पर। कितने? 8 दिनों की यात्रा पर गए हुए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है और टाइमलाइन के अंतर्गत आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं पहले आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो जन औषधि दिवस दोस्तों मनाया गया 7 मार्च को। कब? 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों, क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। क्या थी? क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर ऑल। अब बात करते हैं जन औषधि दिवस की। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों देश भर में 5000 से ज़्यादा, कितने? 5000 से ज़्यादा जितने भी देश भर में जन औषधि भंडार हैं, मास ड्रग स्टोर्स हैं, उनको संबोधित किया है इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं बाकी के डेट्स की। ऑप्शन में आपको जो दिख रहे हैं, तो बाकी के डेट्स में 1 मार्च को दोस्तों मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। इसके बाद 3 मार्च को दोस्तों मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया गया था? विश्व वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था। 8 मार्च आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको कल बताऊंगा, थीम वगैरह को लेकर के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसको, इसके लिए मैंने नहीं इंक्लूड किया हुआ है, तो कल की वीडियो में इसको मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला? तो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है अभी हाल ही में 2019 का, इसके तहत सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, सबसे क्लीन सिटी चुना गया है इंदौर को। किसे? इंदौर को। और इसे दोस्तों लगातार 3री बार चुना गया है सबसे क्लीन सिटी। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगातार 3री बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी चुनी गई है। ठीक है, इंदौर। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट जान लीजिए। गोचर आपको दिख रहा है ये ऑप्शन में। गोचर दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के लिए इसे चुना गया है सबसे स्वच्छ सिटी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के लिए। ये उत्तराखंड में पड़ता है गोचर। ठीक है, इसके बगल में इसके गंगा बहती हैं, तो सर्वश्रेष्ठ गंगा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब बात आती है स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड दिया किसने? तो स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड दिया है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 2019 के लिए दिए हैं। और कहाँ पर दिए हैं? नई दिल्ली में दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के सीएम ने देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है, शिलान्यास किया है इन्होंने। ये परियोजना दोस्तों टोटल 300 करोड़ तक की लागत आएगी, खर्चा आएगा इस पर 300 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, प्रोजेक्ट है ये, और अगले 3 वर्षों तक इसे पूरा होना है। कब तक? अगले 3 वर्षों में इसे पूरा हो जाना है, ये देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना। ठीक है, तो उत्तराखंड के सीएम जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने इसका शिलान्यास किया है उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा और। मैप में देख लीजिए, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या, और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों रमेश रंगनाथन।
चीफ जस्टिस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो चीफ जस्टिस मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगी। सभी स्टेट के चीफ जस्टिस को आप लोग एक साथ देख सकते हैं। अब उत्तराखंड से हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट जानेंगे। तो उत्तराखंड के टिहरी में है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भारत का सबसे ऊँचा बांध है। सबसे ऊंचा डैम तो आप लोग जान लिए, टेहरी पर बना है भाखड़ा नांगल बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध, जो कि है महानदी उड़ीसा पर बना हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 124वां देश बन गया है दोस्तों मलेशिया। कौन? मलेशिया बन गया है ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां देश बना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 124 देश हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना यानी कि इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2002 को। कब? 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों हेग में। हेग है नीदरलैंड में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेग में ही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का भी मुख्यालय, याद रखिएगा इसको, ठीक है, हेग में ही है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की यहाँ बात हो रही है, मलेशिया अब जुड़ गया है, 124वां सदस्य बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना है आपको, वो ये है कि बुरुंडी नाम का एक देश है। कौन सा देश? बुरुंडी नाम का एक देश है दोस्तों, ये 2017 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हट गया था, बाहर हो गया था, यानी कि ये सदस्यता अपने त्याग दिया था। तो बुरुंडी देश जो बना ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला देश बना, याद रखिएगा 2017 में ये बाहर हो गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य के लिस्ट से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर संयुक्त रूप से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर के एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है दोस्तों SBI PSPL, ठीक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम रखा गया है इस डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म का, जो कि हिताची और SBI के सहयोग से हुआ होगा। अब हिताची का कितना भाग है और SBI का कितना परसेंटेज इसमें शेयर है ये आपको पता होना चाहिए। तो 74% का शेयर है SBI का और 26% का हिताची पेमेंट का, ठीक है। तो ये दोनों ने मिल करके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब SBI आया है, तो हम लोग SBI के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। तो SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर ही रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार है SBI के चेयरमैन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक NRETP को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो वर्ल्ड बैंक से अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक और समझौता किया है, ऋण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि किया है NRETP के लिए। और कितने का किया है? 250 मिलियन डॉलर का। कितने का? 250 मिलियन डॉलर का। अब ये NRETP क्या है? तो NRETP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। क्या? नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, यानी हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना। तो NRETP का ये तो था फुल फॉर्म। तो विश्व बैंक ने इसको 250 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, ठीक है, इसका ऋण देगा, लोन देगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक इसको लोन क्यों दे रहा है? इसको लोन इसलिए दे रहा है दोस्तों NRETP में, भारत में ग्रामीण लोगों को उनके आय को बढ़ावा देने के लिए, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम की व्यवस्था सुधारने के लिए विश्व बैंक उधार दे रहा है। अभी आपको पता होगा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के लिए 25.2 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था विश्व बैंक ने, ठीक है। कितने का दिया था? 25.2 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था छत्तीसगढ़ की दशा को सुधारने के लिए, देने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था विश्व बैंक के साथ ही। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक ने NRETP को बढ़ावा देने के लिए 250 मिलियन डॉलर का भी ऋण देने के ऋण पत्र पर सिग्नेचर कर दिया है।
अब आया है वर्ल्ड बैंक, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ और चीज़ें रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के की स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि 1945 में। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ग्रीन एरा पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में TVS मोटर कंपनी को, किसे? TVS मोटर कंपनी को दोस्तों मिला है ग्रीन एरा का सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। ग्रीन एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है TVS मोटर कंपनी को। और ये किसने दिया है? ये दिया है दोस्तों लिस्बन ने, पुर्तगाल में इसे दिया गया है। लिस्बन पुर्तगाल में ये अवार्ड दिया गया है इसको, TVS मोटर कंपनी को। अच्छा, ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? ये अवार्ड दिया जा रहा है दोस्तों TVS मोटर कंपनी को इसके जिम्मेदार निर्माता होने के लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए TVS मोटर कंपनी को ये अवार्ड दिया गया है, ग्रीन एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में कौन सी प्राचीन जनजातीय भाषा पढ़ाई जाएगी? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के CM जो कि हैं कमलनाथ जी, उन्होंने आदिवासी जिलों में एक गोंडी भाषा है वहाँ की, तो उसको पढ़ाए जाने के लिए एक डिसीजन लिया है। इन्होंने घोषणा की है कि अब से वहाँ पर आदिवासी जिले जो हैं मध्य प्रदेश में, उनके सिलेबस में, प्राइमरी एजुकेशन के सिलेबस में, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उनके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में गोंडी भाषा को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के CM ने ये घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश आया है तो हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, यहाँ के CM हैं कमलनाथ, यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें चीफ जस्टिस की, तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ। मध्य प्रदेश से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट जान लीजिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, याद रखिएगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ, सारी डिटेल आपको एक साथ नहीं बताता हूँ, जिससे आप लोग भूले ना। एक एक चीज़ें थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके मैं आपको बताता जाऊँगा। आप लोग डेली अगर रेगुलर रहोगे, वीडियो को देखते रहोगे, वॉच करते रहोगे, तो आपका धीरे धीरे बहुत सारा पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और कहाँ पर किया? अहमदाबाद में PM नरेंद्र मोदी जी ने इस स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, ये स्वागत दोस्तों DMRC हो गया, SBI हो गया, NPCI हो गया, ऐसे ही एक दो और इंस्टीट्यूटों की मदद से एक संयुक्त पहल है ये स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम। तो इसको अभी हाल ही में BEL ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब बेल आया है तो इसके बारे में कुछ और जान लीजिए। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। इसके डायरेक्टर कौन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों आनंदीराम लिंगम। कौन है? आनंदीराम लिंगम। अभी कल मैंने आपको BHEL के बारे में बताया था, तो क्या आपको अभी तक याद है? अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि BHEL के महानिदेशक कौन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना अभी हाल ही में शुरू किया है दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, अब इस योजना के बारे में आप लोग जान लीजिए। योजना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना होती है ज़्यादा एग्जाम्स में, तो उससे रिलेटेड आप लोग चीज़ें जानते रहिए। तो मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना में होगा क्या दोस्तों? सबसे पहले तो 10 वर्ष से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी कारीगर हैं, ठीक है, तो उनको जो 10 वर्ष से ज़्यादा अनुभवी कारीगर हैं और उनकी इनकम अगर 1,00,000 रुपये वार्षिक से कम है, ध्यान से सुनिएगा, 10 वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई कारीगर हैं तो उनको 800 रुपये पर माह दिया जाएगा, एक सहायता योजना के तहत वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई कारीगर 80 वर्ष से अधिक उम्र का है, 80 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो उसको 1,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ दोनों, जल्दी से ध्यान दीजिएगा।
कोई भी कारीगर अगर 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखता है अपनी कारीगरी में और उसका अगर इनकम वार्षिक एनुअल इनकम जो है वो 1,00,000 से कम है तो उसको 800 रुपये महीना दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग हो चुका है, कारीगर है, 80 वर्ष से अधिक का है तो उसको 1,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। ये तो थी मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। इसको उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के बारे में कुछ और जान लीजिए। उड़ीसा मैप में देख लीजिए, उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, प्रोफेसर गणेशी लाल हैं यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर, KS झावेरी यानी कि कल्पेश सत्येंद्र झावेरी जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। ठीक है, तो इतना आपको उड़ीसा से भी पता होना चाहिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुनरू के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का को कौन सा स्थान दिया गया। तो हुनरू के अरबपतियों की सूची मैंने पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप लोग जल्दबाजी में आंसर करते हो इसीलिए गलतियाँ करते हो, ध्यान से पढ़िएगा और बहुत केयरफुल होकर आंसर करिएगा। ठीक है, ऑप्शन भी मैंने बहुत अच्छे से दिए हैं तो आप लोग ऑप्शन पर भी फोकस कीजिएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, BHEL के निदेशक कौन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन पे मैं फिर से कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा, मैंने बहुत सटीक ऑप्शन दिए हैं, आपको एक्सप्लेन करने का मौका दिया है। ठीक है, तो आप लोग एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग कल की वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किए हैं। तो उनके नाम हैं धनु कुमार, मनीष सिंह, अमरजीत, रवि ठाकुर, संदीप सिंह, राजा रसिया, नरेश कुमार, संगीता रावत, आयुषी सनोदिया, अमन गुप्ता, परम सिद्धू, सुजैन दास, सूरज मैन, सदुल कुमार, महालक्ष्मी पांडे, ममता रानी और उखी राजपूत। इतने लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर दिया और डिटेल में आंसर किया। तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।